के आसपास आज एक्सपायरी होने की पूरी पूरी संभावना है। ज्यादातर जो एनालिस्ट हैं यही मान के चल रहे 15,300 मैक्सिमम 15,400 पर आज एक्सपायरी हो सकते हैं और इस बीच में एक्सपायरी होने की संभावना है, लेकिन बायस आज पॉजिटिव बना हुआ है। शुक्रिया आशीष इन डिटेल्स के लिए। चलिए अब हमारे साथ रोहित सिंगरे जुड़ चुके हैं, रुचित जैन और साथ ही विकास सालुनकी से जानेंगे उनके ट्रेडिंग आइडियाज, और सचित आनंद उत्तेकर जुड़ेंगे हमारे साथ छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई के लिए। लेकिन सबसे पहले चलते हैं रोहित के पास, जानते हैं कि इनका डेटा क्या कह रहा है और इनके एक्सपायरी लेवल्स क्या हैं। रोहित हाय, गुड आफ्टरनून, बताइए कि आपको भी लगता है निफ्टी बैंक्स आउट परफॉर्मेंस आ सकता है और वहां से निफ्टी को थोड़ा सहारा मिले आज। गुड आफ्टरनून देवाशी, देखिए निफ्टी की बात मैं अगर करूँ तो दोनों ही इंडेक्सेस के अंदर स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, बट निफ्टी के अंदर कहीं ना कहीं एक ऊपर की तरफ जो रेंज है जैसे कि आशीष ने बताया 15,300-15,400 एक काफी स्टिफ रेंज रहेगा निफ्टी के पर्टिकुलर एक्सपायरी के लिए, बिकॉज 15,400 के कॉल के अंदर हम लोग काफी अच्छी राइटिंग देख रहे हैं, वही सेम में 15,300 के पुट में भी काफी अच्छा राइटिंग है। तो मुझे लग रहा है कि 15,300-400 एक एक स्टिफ हर्डल रहेगा जो यहाँ पर ही हम लोग को कहीं ना कहीं एक्सपायरी देखने को मिल सकती है। तो मेरे हिसाब से जब तक 15,300 के ऊपर निफ्टी ट्रेड कर रहा है एक पॉजिटिव बायस बना हुआ है, एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स को बिल्कुल होल्ड करने की सलाह रहेगी। ऊपर की तरफ इमीडिएट बेसिस पे 15,400-15,430 के टारगेट मेरे रहेंगे निफ्टी के अंदर, और निफ्टी बैंक के अंदर बिल्कुल मुझे लग रहा है कि ट्रैक्शन बढ़ता हुआ देख सकता है हम लोग को। जब तक निफ्टी बैंक 34,500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है इसमें ट्रैक्शन काफी अच्छा बनता हुआ दिख सकता है। एक बार मुझे लग रहा है कि 35,000 और उसके ऊपर अगर निकला तो एक बढ़िया सा 35,200 आज के हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी बैंक के अंदर भी ट्रैक्शन काफी अच्छा मौजूदा लेवल्स पर है, तो मुझे लग रहा है कि निफ्टी बैंक के अंदर भी खरीदारी करने की सलाह रहेगी। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा 34,500 रहेगा और ऊपर के अंदर जो मेरे टारगेट्स रहेंगे वो 35,200 के रहेंगे ओवरऑल। तो निफ्टी बैंक पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, खरीदारी करने की सलाह रहेगी देवाशी। रोहित ये दोनों जो टारगेट्स आपके हैं वो जून एक्सपायरी के लिए हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, इंट्राडे के टारगेट्स हैं मेरे। इंट्राडे टारगेट्स हैं आपके? या मैं एक्सपायरी की मैं बात कर रहा हूँ। ओके तो आप देखिए जून सीरीज में आपको खरीदारी करके चलना है, लेकिन 35,200 ये टारगेट्स निफ्टी बैंक पर आ सकते हैं और साथ ही 15,400 के लेवल्स के ऊपर आज आपको निफ्टी पर भी टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। खरीदारी करने की राय आपको निफ्टी बैंक दोनों पर मिलती हुई दिख रही है रोहित की तरफ से। रोहित आप बने रहे हमारे साथ, लेकिन चलिए अब चलते हैं वापस से रोहित के पास और जानते हैं उनके ट्रेडिंग आइडियाज कौन से हैं। रोहित आज ओवरऑल आप पॉजिटिव हैं बाजार पर, आज खरीदारी करके चलेंगे? बिल्कुल देवांशी, पहला जो मेरा पिक रहेगा वो ऑटो से रहेगा, हीरो मोटोकॉर्प। काफ़ी अच्छा एक राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट हम लोग को आज के सेशन के अंदर देखने को मिला है, वॉल्यूम एक्टिविटी काफ़ी बढ़िया है। मुझे लग रहा है कि हीरो मोटो के अंदर आपको यहाँ पर पोजिशनल लिहाज पर देखकर चलना चाहिए, करंट लेवल्स पर खरीदारी करने की सलाह रहेगी। ऊपर की तरफ इमीडिएट बेसिस पे 3100 का टारगेट रहेगा और ओवरऑल टारगेट मेरा 3200 रुपये का रहेगा, तो 3100 का इमीडिएट टारगेट। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 2950 का रहेगा, काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बैठ रहा है, तो हीरो मोटो का मेरा पहला पिक रहेगा। सेकेंड पिक जो रहेगा वो रहेगा सन टीवी। यहाँ पर हम लोग कल के सेशन में काफ़ी अच्छे ब्रेकआउट देखने को मिले थे और उसके ऊपर ब्रेकआउट जोन के ऊपर प्राइसेस अभी भी सस्टेन कर रही है, तो मुझे लग रहा है कि सन टीवी के अंदर भी काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है यहाँ से। तो मुझे लग रहा है कि एक बार ऊपर की तरफ 560-570 तक के लेवल हम लोग को सन टीवी के अंदर देखने को मिल सकते हैं, तो आपका यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रहेगा 530 का रहेगा। तो हीरो मोटोकॉर्प और सन टीवी ये दो मेरे पिक रहेंगे देवाशी। चलिए हीरो मोटोकॉर्प आज ओवरऑल ऑटो स्पेस में अच्छी खरीदारी बनती हुई दिख रही है। हीरो मोटोकॉर्प 3000 के लेवल्स के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, मोमेंटम गेन करता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे आपको खरीदारी करनी है और सन टीवी के फ्यूचर्स में भी खरीदारी करने की राय आपको मिलती हुई दिख रही है। 560 तक के टारगेट्स आपको सन टीवी बता सकता है, तो यहाँ पे भी खरीदारी करने की राय अब आपको मिलती हुई दिख रही है। और यही नहीं, आप देखिए बाजार का मोमेंटम अभी भी पॉजिटिव है, निफ्टी 15,340 के लेवल्स और निफ्टी बैंक पर अब 34,800 के लेवल्स के ऊपर कामकाज फिर से एक बार होता हुआ दिख रहा है। रोहित शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी शेयर करने के लिए, और फिलहाल इस शो में बस इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए सी बिजनेस। नमस्कार।